हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने थ्योरी पोर्शन थे सभी को हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपको जो है वीडियो पिछले वाले वीडियो क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। आज हम लोग NCERT फोल्डर में दिए गए सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और अब आप लोगों का समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके NCERT फोल्डर का सबसे पहला क्वेश्चन है, दोनों दो गोलों के आवेश क्रमशः कोई दो ठो गोला है, क्या है? एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। दो गोलों के आवेश क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलाम तथा 3×10⁻⁷ कूलाम है तथा जिनके बीच की दूरी क्या है, तीस मीटर है और उनके बीच लगने वाला कार्यरत बल या लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो आइए हम समझते हैं जरा सा। पहला सवाल आप लोगों का क्या है, पहला सवाल है आप लोगों का NCERT फोल्डर का, पहला सवाल कह रहा है कि दो गोले हैं जिन पे आवेश क्रमशः, एक आवेश मान लेते हैं Q1 है, एक आवेश Q2 है। Q1 बराबर दिया है 2×10⁻⁷ कूलाम और Q2 जो है आपका कह रहा है 3×10⁻⁷ कूलाम। ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, 30 मीटर है। इनके बीच की दूरी क्या है भैया, 30 मीटर है। तो कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल F है वो आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ही लेक्चर में आपको बताया गया था कूलाम के नियम से किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R2। ध्यान से समझिएगा, चलिए मान रखते हैं। तो इनका मान होता है 9×10⁻⁹ Q1 का मान है 2×10⁻⁷ कूलाम, Q2 का मान है 3×10⁻⁷ कूलाम बटे R। तो बीच की दूरी कितनी है, 30 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए ये आ गए 9×2×3 कितना है 3×10⁻⁹ कितना हो जाएगा 10⁻⁷ और 7 ये -7 और -7 का हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो -14 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आधार बराबर होते हैं तो उनके घात आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तब 30 का वर्ग करते हैं तो 30 का वर्ग करोगे तो कितने आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भैया, 900 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको कैंसिल करते हैं। तो ज़रा सा देखिएगा, क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 9×2×3 9 में से 14 या 14 में से 9 घटा दिए तो कितने आ गए, 10⁻⁵ आ गया। 14 में से 9 घटा दिया गया, 10⁻⁵ आ गया, 9×100 लिख देंगे और 100 को हम लोग 10⁻² लिख देंगे। 9 से 9 कैंसिल हो गए तो 2 × 3 कितना आ गया, 6×10⁻⁵। ये 2 ऊपर जाएंगे तो 10⁻²  हो जाएंगे, 5×2 कितना हो गया, 7, तो 10⁻⁷ न्यूटन। यानी आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल था वो 6×10⁻⁷ न्यूटन के बराबर लगेगा। तो आप लोगों का आंसर जो है यही आया है, ठीक, 6×10⁻⁷। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल कह रहा है वायु में रखे दो छोटे गोलों पर क्रमशः, चलिए दूसरा सवाल है वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः। तो मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो इस प्रकार है, कह रहा है कि कोई 2 गोला है वो कहाँ रखा हुआ है, वायु में रखा है। तो ये 2 आवेश क्या हो गए, एक Q1 हो गए, एक Q2 हो गए। अब कह रहा है जिन पे क्रमशः आवेश 0.4 माइक्रोकूलाम और क्या है, -0.8 कूलाम है। तो इन पे कितना है, 0.4 माइक्रोकूलाम और इन पे कितना है, -0.8 माइक्रोकूलाम हो गए। ठीक, अब कह रहा है तथा इनके बीच जो लगने वाला बल है,
इनके बीच जो कार्यरत बल है वो 0.2 न्यूटन है, अर्थात Q1 का मान दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे तो 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद Q2 बराबर कितना है, −0.8 × 0.8 माइक्रो कूलम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.8 माइक्रो को कूलम में तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम आ गए। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह केवल ये बताता है कि दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक धनात्मक आवेश है, एक क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो उनके परिमाण ऋणात्मक नहीं होते, केवल ऋणात्मक चिन्ह आपको बताता है ये ऋणात्मक आवेश है, ये क्या है, धनात्मक है। लगने वाला कार्यरत बल 0. कितना है, 2 न्यूटन है। तो इसमें पहला पोर्शन सवाल पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है दोनों गोलों के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, आर। तो दूरी आर आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, यही ज्ञात करना है। तो कूलम के नियम से F बराबर आपने क्या पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r2। इस F का मान कितना है, 0.2 न्यूटन, और बराबर क्या इनका मान होता है, 9×10⁻⁹ पूरे का मान। Q1 का मान कितना है, 0.4×10⁻⁶। Q2 का मान कितना है, 0.8×10⁻⁶ पूरे के बटे आर स्क्वायर, यही आर ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर जाएंगे तो ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे, आर स्क्वायर बराबर 0.2 नीचे आ जाएगा, 9×0.4×0.8×10⁹ 6 कितने हो गए भैया, 12 हो गए, तो 10⁻⁻¹² हो गए बटे ये 0.2 आ गए। ये आर स्क्वायर आपका इधर आ गया, ये वाले आपके इधर आ गए। देखिएगा तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल करोगे तो 2 × 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये आपके क्या आ गए, 4 आ गए। इधर से आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, √9×0.4× कितना है, 10⁻⁹ है। और यहाँ 12 में से 9 घटा देंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ कितना आ जाएगा भैया, बोलिए जरा सा, 10⁻⁹ कितना आ जाएगा, −3। 12 में से 9 घटा दिया जाएगा तो 10⁻⁹ आ गए। इस पॉइंट को काटे तो अपान 10 लगा दिए और 10 ऊपर पहुंचा दीजिएगा, तो 10 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 9×4, ये 10^1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो −3 और −1 कितने हो गए, −4। अब स्क्वायर अंडर रूट से सब बाहर आएंगे तो अंडर रूट से 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और ये 10^-4 बाहर आएंगे तो 10^-2 हो जाएगा। 3×6×10^-2 मीटर आ गए, ये आ गए आर का मान, या तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। अर्थात उन दोनों गोलों के बीच की दूरी जो थी वो क्या थी भैया, 6 सेंटीमीटर था। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछा है कि दोनों द्वितीय गोला प्रथम गोले पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो द्वितीय गोला है उस पे प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल। तो हमको एक बात पता होना चाहिए कि दो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले पर उतना ही बल लगाएगा, अर्थात दूसरे के कारण पहले पर लगाया गया बल 0.2 न्यूटन होगा, तो पहले के कारण दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो आपसे क्या पूछा है, द्वितीय गोले पर, तो लिख देंगे द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के द्वारा लगाया गया बल 0.2 न्यूटन होगा। ठीक, बात समझ में आया, ये है, ठीक नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग NCERT के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप लोगों से,
जरा सा उसको पढ़ देखिएगा। तीसरा नंबर आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि अनुपात, कुछ अनुपात दिया गया है, अनुपात क्या है, अनुपात ये है, अनुपात क्या दिया गया है, के ई बरा के ई स्क्वायर बटे जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आपको जांच करके सुनिश्चित करना है, बताना है कि दी गई जो ये अनुपात है या ये जो दी गई अनुपात है ये विमाहीन है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में पूछ भी सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको विमाहीन कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, माना जो ये के है वो के कहाँ से आएगा, तो हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम के नियम से के की विमा निकाल लेंगे और ई इलेक्ट्रॉन है और जी कहाँ से निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जी की विमा निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले के की विमा निकालते हैं। तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, यह बराबर 1/4πε₀Q₁Q₂/r2। इसकी तो कोई विमा होने वाली नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार का संख्या होता है। आपको या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा के क्या लिखते हैं, यह बराबर के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के क्यू वन क्यू टू आ जाएंगे, यफ इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। आपको के का बीमा चाहिए तो के की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, यफ इंटू आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा क्यू वन क्यू टू। अब जरा सा बताइए, यफ की बीमा क्या होती है, यफ का बीमा रखा जाए, या तो आप मात्रक से भी प्रूफ कर सकते हो, बीमा से भी प्रूफ कर सकते हो। तो यफ की बीमा होती है एम एल टी पावर माइनस टू होता है और आर, आर एक दूरी है तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन एक आवेश है, आवेश की बीमा ए टी हो जाएगा, यहाँ भी ए टी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यम है आपके यहाँ पर, ठीक, एल के पावर एक और दो मिलके कितने हो गए, एल के पावर थ्री हो गए, ए के पावर टी, सॉरी यहाँ देखिए टी यहाँ एक है यहाँ दो है और ये दोनों दो ऊपर जाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा, माइनस दो और माइनस दो क्या हो गए, माइनस चार हो गए, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर क्या हो जाएंगे, माइनस टू हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग किसकी बीमा निकाल लेते हैं, के की बीमा निकाल लेते हैं। उसके बाद अब हमको किसकी चाहिए, ई की। तो दूसरा क्या है, ई स्क्वायर की बीमा। तो ई स्क्वायर यानी ई क्या है, आवेश है, और आवेश की बीमा क्या हो जाएगी ए टी, तो ए टी का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, E की बीमा क्या होगी, AT होगी। इसी प्रकार हम लोग किसका बीमा निकालेंगे, AT होगी। इसी के बाद अब आता है आप लोग का G की बीमा, किसकी बीमा, G। तो G कहाँ से निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, किसके नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है भैया, आप लोग पढ़े होंगे, यह बराबर जी यम वन यम टू अपान क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ से आपको इस जी की बीमा चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी यम वन यम टू बराबर कितना आ जाएगा, यफ आर स्क्वायर। तो जी का चाहिए तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे यम वन इंटू कितना आ जाएगा यम टू। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जी की बीमा निकालते हैं। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी बताइएगा, बल की बीमा होती है एम एल टी पावर माइनस टू रख लेते हैं। उसके बाद आर, आर क्या है दूरी है, तो दूरी की बीमा होती है एल स्क्वायर पूरे के बटे एम वन एम टू क्या है, एम वन द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है के जी होती है, या तो सॉरी के जी नहीं होता, द्रव्यमान के लिए बीमा का क्या हम लोग लगाते हैं यम, तो यहाँ एम आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये के जी है तो यहाँ भी एम आ जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए, अब आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों यम हैं, ये दोनों क्या है भैया एम स्क्वायर हो जाएंगे, और ये एम एल के पावर दो और एक क्या हो गए तीन हो गए, तो एम एल के पावर कितना आ गया तीन, और टी के पावर कितना हो गया माइनस दो, और बटे क्या आ गया यम के पावर कितना हो गया दो।
क्यों? क्योंकि एक और एक कितने हो गए? दो। ये किसकी बीमा आई भैया? जी की बीमा आई। किसकी बीमा आई? जी की बीमा आई। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो चाहे जिसका मास ऑफ हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, है तो द्रव्यमान ही, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी m। क्या हो जाएगी? m। तो ये हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर एक पे चलते हैं। तो समीकरण एक से, समीकरण एक में सबकी बीमा रख देंगे। तो बोलो k की बीमा क्या है? k की बीमा है, चलिए k की बीमा, तो अनुपात को सिद्ध करना है ना, तो अनुपात बराबर क्या है के, के की बीमा आपने निकाला है, क्या निकाला है? एम एल क्यूब टी पावर माइनस फोर ए के पावर माइनस टू, ठीक, इंटू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर, ई की बीमा कितनी है भैया? एटी है। इंटू क्या हो जाएगा? ए टी, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगला ध्यान दीजिएगा, पूरे के बटे, तो जी, तो जी की बीमा क्या है? जी की बीमा है एम एल क्यूब टी, सॉरी देखिएगा यहाँ है ना, यहाँ है, जी की बीमा कितनी है? एम एल क्यूब टी के पावर, क्या है भैया? टी के पावर कितना है? माइनस टू है, ये जी की बीमा है, और बटे क्या है? बटे यम स्क्वायर है, तो बटे क्या हो गए? यम स्क्वायर हो गए। चलिए इनटू क्या हो जाएगा? इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? यम है, और मास ऑफ प्रोटॉन भी यम है, तो यहाँ एम के पावर क्या हो गए? टू हो गए। एक बार ध्यान से समझिएगा आप लोग, सबकी बीमा यहाँ पर रखी गई है अनुपात एक में। अब देखिए यम एल, देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये यम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए एम आपके ऊपर आ जाए, यहाँ रहेंगे एल घाते तीन रहेंगे। अब टी के पावर चार हैं और दो हैं, तो चार में से दो घट जाएंगे, तो टी के पावर माइनस दो, और ये ए के पावर माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे क्या बचा है? एम एल पावर थ्री टी के पावर माइनस टू। तो ये देखिए अंश और हर बराबर हो गए, कट गए, अर्थात ये क्या आ गई? जीरो। और जिसकी बीमा जीरो हो गई, तो अनुपात भी क्या हो गए? बीमाहीन हो गए। अतः हम लिख सकते हैं कि दिया गया अनुपात क्या है? बीमाहीन है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी में आपसे क्या पूछा है, इस दिए गए अनुपात का गणितीय मान, तो आप के का मान जानते हैं, के का मान रख सकते हैं, ई का मान जानते हैं, ई का मान लिख देते हैं, आप लोग रख के हल कर लीजिएगा। तो के का मान क्या होता है, जहाँ के का मान आप जानते हैं, नौ गुणे दस घाते नौ होता है, ई होता है एक दशमलव छः गुणे दस घाते माइनस उन्नीस, जी होता है छः दशमलव छः सात गुणे दस घाते माइनस ग्यारह, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नौ दशमलव एक गुणे दस घाते माइनस इकतीस, मास ऑफ प्रोटॉन होता है एक दशमलव छः सात गुणे दस घाते माइनस सत्ताईस। ये सब आप मान उठा के इस समीकरण में रख देंगे, तो आपको अनुपात का आंकिक मान आ जाएगा, ठीक। चलते हैं अब हम लोग जो है चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, व्याख्या करो, या क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो। तो हमने जब आपका लेक्चर स्टार्ट किया था, पहले ही लेक्चर में पढ़ाए थे आवेश के मूल गुण में आवेश के क्वांटीकरण क्या होते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से बता देते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण क्या होता है। तो हमने बताया था आवेश जो होते हैं वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, गुणज होते हैं, या हम बताए थे कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ में जो आवेश पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि किसी पदार्थ में मान लेते हैं, ऐसे समझिएगा, आवेश के क्वांटीकरण चौथा नंबर है आपसे प्रश्न पूछा है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो हमने बताया था आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, या आवेश पैकेट और बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि यदि मान लेते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन हो, तब आवेश क्या हो जाएगा,
तब आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है यहाँ जहाँ एन बराबर एक दो तीन चार पाँच छः एन एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश पाए जाते हैं वो पैकेट और बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। आप ये लिख सकते हो और ये क्वेश्चन एक नंबर का बोर्ड पेपर में पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है, किस पर रगड़ा जाता है सिल्क पर रगड़ा जाता है। चलिए पाँचवा सवाल बनाते हैं हम लोग। पाँचवा सवाल भाई साहब बोल रहे हैं कि जब कांच की छड़ को सिल्क पे रगड़ा जाता है, किस पे रगड़ा जाता है सिल्क पर। ये हमने कह दिया भाई साहब ये कोई सिल्क हो गए, ये कांच हो गए और ये सिल्क हो गए। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि जब हम कांच को सिल्क से रगड़ते हैं तो दोनों छड़ आवेशित हो जाती है, इस प्रकार घटना अन्य व्यवहारिक वस्तुओं को युग्मों में प्रतीत होती है, यह घटना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किस प्रकार पालन करती है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है वो जानना है और आपका प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो दोनों छड़ क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, दोनों छड़ों पर चार्ज आ जाता है। तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों वस्तु रगड़ी जा रही हैं ये वस्तु आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का पालन कैसे करती हैं। तो आप इसका जवाब क्या दोगे जानते हैं, इसका जवाब ये हो जाएगा कि इमेजिन करते हैं कि मानते हैं कि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन से बना था और ये 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन से बना था, तो जब हमने इनको रगड़ा, इनको हमने क्या किया रगड़ना स्टार्ट किए, तो रगड़ने पर हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर जब इस पर आए तो ये 9 इलेक्ट्रॉन के बजाय कितना हो गया 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 7 इलेक्ट्रॉन के बजाय क्या हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि ये आपके क्या हो गए धनावेशित हो गए, ये आपके ऋणावेशित हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक हो गई और इनमें प्रोटॉनों की मात्रा इलेक्ट्रॉनों से अधिक हो गई। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आवेश ये भी छड़ावेशित हो गया, ये भी छड़ावेशित हो गया, पर ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को पालन कैसे करती हैं। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, और न ही नष्ट कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, या एक पदार्थ से, ऐसे लिखना चाहिए था, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरण किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक, अब समझिएगा, अब यहाँ देखते हैं, क्या आप आवेश को उत्पन्न किए थे, नहीं, जो इस पे आवेश थे, जो इस पे आवेश थे, आवेश वही थे, हम लोग उत्पन्न उसे नहीं कर सकते, यानी न तो हम लोग इनको आवेशित कर सकते थे, बिना रगड़े आप आवेशित नहीं कर सकते थे, अब और न ही नष्ट कर सकते हैं। क्या हम इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है इनको नष्ट कर सकते हैं, नहीं, न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरण किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराया जा सकता है। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को इस प्रकार पालन करती है। बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मजेदार सवाल है और बोर्ड के लिए नजरिए से इंपॉर्टेंट सवाल है छठवां नंबर, इस आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए छठवां नंबर क्या कर रहा है कि चार बिंदु आवेश हैं, छह नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, चार बिंदु आवेश हैं, QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम।
ए बी सी डी के कोणों पर स्थित है और जहां ए बी सी डी एक वर्ग है। तो जरा सा जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो फिर से समझाने का प्रयास आप लोग को करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं ए, जो वर्ग का मान है वो कुछ इस प्रकार है कि ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है। तो जो ए पर आवेश है उसका नाम क्यू ए है, और जो बी पर आवेश है उसका नाम क्या है क्यू बी है, और जो सी पर आवेश है उनका नाम क्यू सी है, और जो डी पर आवेश है उनका नाम क्यू डी है। अब क्यू ए ए बराबर वो बोल रहे हैं दो माइक्रो कूलाम है, क्यू ए ए बराबर क्या है भैया दो माइक्रो कूलाम है, और क्यू बी पर कोई आवेश क्या है माइनस पाँच माइक्रो कूलाम है, माइनस पाँच माइक्रो कूलाम है, और क्यू सी पर कोई दो माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है, और क्यू डी पर कोई माइनस पाँच माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है। अब बोला है कि इन दोनों वर्गों के केंद्र पर एक क्या है आवेश रखा गया है, इन दोनों वर्गों के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है जिसका माप कितना है भैया एक माइक्रो कूलाम है, और ये जो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इन चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जरा सा। हम आपसे ये कह रहे हैं आपने पढ़ा था समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए जरा सा देखिएगा ये कौन है धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है। तो ये जो क्यूए के कारण जो लगने वाला बल होगा क्यूए के कारण लगने वाले बल की दिशा हमेशा इधर की तरफ होगी। तो क्यूए ए के कारण लगने वाले बल का नाम हमने दे दिया एफ ए नाम दे दिए। ठीक, अब क्यू सी क्या होगा, क्यू सी जो है ये भी धनात्मक आवेश है तो ये इन इस आवेश को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। तो क्यू सी के कारण लगने वाले बल की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, क्यू सी वाला इसको इतना बल लगाएगा, क्यू ए वाला इधर लगाएगा, तो क्यू सी के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या बल का नाम एफ सी हो गए। चलिए अब क्यू डी वाला क्या करता है, क्यू डी क्या है भैया माइनस पाँच माइक्रो कूलाम है जो कि क्या है भैया ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक वाला जो होगा धनात्मक को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींचने का प्रयास करेगा, तो इसकी दिशा इधर की तरफ हो गई, तो इसके द्वारा लगने वाले बल की का मान दे देते हैं क्यू डी। इसी प्रकार क्या करेगा क्यू बी भी एक ऋणात्मक आवेश है तो क्यू बी वाला भी जब इसको अपनी ओर खींच लेगा तो इसके द्वारा लगने वाले बल का नाम क्या हमने दे दिया एफ बी दे दिए। चलिए अब जरा समझिए, देखिए एफ ए एफ सी के विपरीत है और जो एफ बी है वो किसके विपरीत है भैया एफ डी के विपरीत है, किसके विपरीत है एफ डी के विपरीत है। तो अब बताओ इस वर्ग के केंद्र पर लगने वाला बल, तो हम लिखते हैं वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, स्थित आवेश पर लगने वाला बल। तो मान लेते हैं एफ कितने बल लग रहे हैं चार, कौन कौन से एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब आप लोग पूछोगे सर क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आपको पता है अध्यारोपण सिद्धांत क्या है कि किसी भी बहुल आवेश किसी भी दो तीन आवेश के बीच अगर कोई आवेश रखते हो तो उन आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ध्यान से समझिएगा, तो एफ ए एफ ए क्या है भैया एफ सी के बराबर है, यहाँ हम जानते हैं जो एफ ए है वो एफ सी के बराबर है परंतु उनकी दिशाएं क्या है विपरीत हैं, तो विपरीत के लिए क्या लगा दिया जाएगा माइनस लगा दिया जाएगा, और जो एफ बी है वो एफ डी के बराबर है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है तो माइनस एफ डी लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा एफ ए तो अपने स्थान पर रख लेते हैं प्लस एफ बी, एफ बी के स्थान पर क्या रख देते हैं माइनस एफ डी रख देते हैं, एफ सी एफ सी तो एफ सी के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, एक मिनट जरा सा ध्यान समझिएगा कि हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं, एफ ए बराबर क्या है भैया माइनस एफ सी था और यहाँ माइनस एफ डी, ये आ गए एफ सी और ये क्या आ गए एफ डी, तो प्लस माइनस कर गए तो यह बराबर क्या हो गया जीरो। अतः वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इस प्रकार आपका छठवां सवाल भी कंप्लीट हो गए।
चलते हैं अब हम लोग सातवें सवाल पर। सातवां सवाल क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, ये बल रेखाएं एकाएक विखंडित क्यों नहीं होती। इनमें दो प्रश्न पूछे गए हैं, सातवें का दो प्रश्न है जो कि थ्योरी पोर्शन है, जो कि बोर्ड पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है आप लोगों के। तो सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है या एकाएक क्यों नहीं टूटती हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र क्यों होती हैं, क्योंकि सभी जगह जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उनका मान क्या होता है, समान रहता है, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एकाएक टूटती नहीं है। ये विद्युत बल रेखाओं का एक गुण होता है कि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होने का मेन कारण ये होता है कि वो सभी जगह जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो समान रहता है। जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई आवेश रख लिए, क्या रख लिए भैया, कोई आवेश, तो इनसे निकलने वाली जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इनसे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहीं पर, चाहे आप ये पॉइंट लेंगे, चाहे ये पॉइंट लेंगे, चाहे ये पॉइंट लेंगे, चाहे ये वाला पॉइंट लेंगे, तो किसी भी एक पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो समान रहता है। किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान रहता है। इस कारण ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सतत वक्र होती हैं और एकाएक टूटती नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र इसलिए होती हैं क्योंकि सभी जगह जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो समान होता है, इसीलिए एकाएक टूटती नहीं है। जो बच्चे न लिख पाए हों वो एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र इसलिए होती है क्योंकि सभी जगह विद्युत क्षेत्र E का मान समान रहता है, तथा एकाएक क्यों नहीं टूटती, क्योंकि सभी जगह जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो समान रहती है। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि एक विद्युत बल रेखाएं दूसरी विद्युत बल रेखाएं को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये कटान बिंदु पर दो दिशा को व्यक्त करती हैं, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कटान बिंदु पर दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। अब हम लोग आपके एनसीईआरटी का आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल क्या कह रहा है, चलिए इनको मिटा लेते हैं जरा सा, ठीक। आठवां सवाल कह रहा है, दो बिंदु आवेश क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। क्या कह रहा है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। तो आइए आठ नंबर सवाल को लगाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कोई दो बिंदु आवेश एक क्यू ए है और एक क्या है भैया, क्यू बी है, एक क्यू ए है एक क्यू बी है, और दोनों आवेश के जो बीच की दूरी है वो क्या है भैया, 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है, अर्थात ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आगे क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका पहला प्रश्न पूछा है। तो ध्यान से समझिएगा, QA का मान आपको दिया गया है 3 माइक्रो कूलम, क्या दिया गया है, 3 माइक्रो कूलम, और QB का मान -3 माइक्रो कूलम। अब जरा सा समझिएगा आप लोग क्या होता है, हमने कहा मान लेते हैं, माना बिंदु O पर कोई एक परीक्षण आवेश क्या रख लेते हैं, Q0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं भैया, एक परीक्षण आवेश Q0 रख लेते हैं। जरा सा आपको सवाल को समझाते हैं, क्या कर रहा है कि कोई बिंदु A है जिस पे कोई आवेश है जिसका मान 3 माइक्रो कूलम है, कोई बिंदु B है जिस पे कोई एक आवेश रखा गया QB है जिसका मान -3 माइक्रो कूलम है। अब कह रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया माना बिंदु O पर Q0 आवेश स्थित है जो कि परीक्षण आवेश है। अब क्या करते हैं, जरा से सोचिए कि ये भाई साहब +3 माइक्रो कूलम है, ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात ये क्या करेगा, इनको अपने से दूर की तरफ ठेलेगा। इनको क्या करेगा, ये इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे तो ये हमेशा इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। किधर की तरफ प्रतिकर्षित हो जाएंगे भैया, इधर की तरफ। या तो आप जरा सा एक मिनट ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा चिन्ह आप लोग उल्टा लगा लिए थे हम लोग, क्या करते हैं ये प्लस वाला इस प्लस को इधर की तरफ प्रयास करेगा कि ये क्यू जीरो इधर की तरफ जाए। इनके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ईए की दिशा इधर हो गई, ए के कारण। और जो बी वाला है, बी वाला क्या सोचेगा कि बी वाला ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। तो इसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ई बी हो गई। ठीक, अब देखिए ई ए और ई बी दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए ओप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई ए प्लस ई बी के योगफल के बराबर होगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे पहले ई ए निकालते हैं, या अतः या लिखते हैं बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर पहला प्रश्न है तो बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या है भैया, ई बराबर ई ए प्लस ई बी हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, ई ए प्लस ई बी, अब समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। अब हम लोग ई ए और ई बी का मान रख दें तो मध्य बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग ई ए और ई बी का मान निकालते हैं, तो ई ए किसके कारण है, क्यू के कारण, प्लस क्यू ए के कारण। तो लिखेंगे क्यू ए के कारण, क्यू ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे भैया, ई ए बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, जब मध्य बिंदु ओ मान लिए तो इनके भी बीच की दूरी क्या हो गई, 10 सेमी हो गई, और यहाँ से भी बीच की दूरी क्या हो गई, 10 सेमी। तो चलिएगा, ये इनका मान कितना होता है भैया, 9 गुणे 10 घाते 9 होता है क्यू ए। तो क्यू ए का मान कितना है भैया, 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 को हम लोग कूलाम में चेंज कर देंगे, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करके 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम, और इनको भी लिख सकते हो माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। चलें, अब बटे क्या है, आर स्क्वायर, आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर में, 10 घाते माइनस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं भैया, इनको हल करते हैं, तो 9 गुणे 3 आ गए, और 10 घाते 9 और इंटू कितना है, 10 घाते माइनस 6 बटे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ करोगे तो 10 घाते माइनस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। देखिएगा, 4 ठो इनको काट देंगे, और ये 2 जीरो इनको 2 पावर काट देंगे, तो 9 तरीक 27 गुणे यहाँ कितना बचा है, 2 ठो कटा था तो 10 घाते 7 बचा है, और यहाँ 4 कटा था तो यहाँ 10 घाते माइनस 2 बचा है, 7 में से 2 घटा दोगे तो 27 गुणे 10 घाते कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये ई ए का मान आ गया, क्या आ गया भैया, ई ए का मान। तो देखिएगा, ये जो ई बी है वो भी आपके क्या है भैया, जो ई बी है वो उसका भी ई बी नहीं, जो क्यू बी आवेश है उसका भी परिमाण वही है, केवल दिशा विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक लगाया गया है। इसी तरह क्या लिख देंगे, इसी तरह ई बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 27 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो समीकरण एक में ई ए और ई बी का क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो समीकरण एक में ई ए व ई बी का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या है भैया, ई बराबर ई ए प्लस ई बी है, और ई ए का मान क्या है भैया, 27 गुणे 10 घाते 5, और ई बी कितना है, 27 गुणे 10 घाते 5
दोनों में 10 घाते 5 कॉमन ले लेंगे तो 27 प्लस क्या आ जाएगा 27, ये 10 घाते 5 कॉमन हो गए, 27 27 54 हो गए, 54 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, या पॉइंट एक अंक इधर ला दोगे तो 5.4 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये ई आ गए। ठीक भैया, ठीक। तो आप लोगों के प्रश्न, सॉरी आप लोगों का जो ये पॉइंट आप एक अंक इधर लाओगे पावर क्या हो जाएगा, घटेगा नहीं बल्कि क्या होता है बढ़ जाता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही आया है, ई इक्वल टू 5.4 गुणे 10 घाते 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो पहले पार्ट का हल था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कि यदि कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, यानी जहाँ मध्यबिंदु ओ है वहाँ पर कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख दें तब लगने वाला बल क्या होगा, तो इसको मिटाते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं अभी इसी में, दूसरा सवाल है यदि मध्य बिंदु ओ पर एक ऋणात्मक आवेश क्या रख दिया जाए, एक ऋणात्मक आवेश क्या मान है भैया, आवेश का मान है 1.5 गुणे एक ऋणात्मक आवेश 1.5 गुणे 10 घाते -9 कूलम रखा जाए तब लगने वाला बल। तो बल का फॉर्मूला F बराबर विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर क्यू इंटू ई होता है। ये फार्मूला आता कहाँ से है, ई बराबर एफ अपान क्यू से, क्यू नाट से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ बराबर क्या आ जाएंगे, क्यू नाट इंटू ई। अब आप देखिएगा जो 10 घाते -9 कूलम, तो क्यू का मान कितना है भैया, 1.5 गुणे 10 घाते -9 कूलम। ई का मान अभी आपने निकाला है भैया 5.4 गुणे 10 घाते 6। ध्यान से समझिएगा, अब क्या करते हैं हम लोग, 1.5 गुणे 5.4, 9 में से 6 घट जाएंगे तो 10 घाते -3 आ जाएंगे। ये पॉइंट काटे 10 आ गए, ये पॉइंट काटे 10 आ गए, ठीक। 5 3 15, 5 2 10, ठीक। 2 1 2, 27 2 54 हो गए, कट गए भैया। अब आपके पास क्या आ गए, 27 गुणे 3, 3 गुणे 27 बटे 10 गुणे 10 घाते -3, 27 3 81 बटे 10 गुणे 10 घाते -3, भाग दो दोगे तो 8.1 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक। आंसर मिला लेते हैं हम लोग जरा सा, आप लोगों के बुक का आंसर आया है भैया -8.1 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। तो यहाँ पर जरा सा एक मात कि Q का मान क्या था, ऋणात्मक था, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। यहाँ ऋणात्मक का मतलब है कि जो आवेश है, जो ये लगने वाला जो बल है वो क्या करेगा, इस विद्युत क्षेत्र के क्या विपरीत लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ रहेगा तो उसके विपरीत ये बल लगेगा, ठीक। अब हम लोग, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 9 क्या कर रहा है आपका, 9 नंबर कह रहे हैं कि कोई एक निकाय में दो आवेश हैं। जरा सा एक 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, एक निकाय है, क्या है, एक निकाय है जिसमें दो आवेश हैं, QA हैं और QB हैं, जो कि भैया यहाँ जो कूलम, जो कि A और B कोई बिंदु दिया गया इस पे स्थित है। जरा सा ध्यान से समझिएगा, A बराबर कोई बिंदु दिया है 0 0 15 और B बराबर क्या है 0 0 -15 सेंटीमीटर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, सेंटीमीटर पर स्थित है। तो कुल आवेश और वैद्युत विधुर आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, क्या भैया, कुल आवेश और वैद्युत विधुर आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो जरा सा हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, पर उससे पहले QA का मान कितना है, QA का मान है भैया 2.5 गुणे 10 घाते -7, 2.5 गुणे 10 घाते -7 कूलम। और QB का मान कितना है, QB का मान है -2.5 गुणे 10 घाते -7 कूलम। अब आपसे क्या क्या पूछा है, कुल आवेश और वैद्युत विधुर आघूर्ण यानी Q का मान ज्ञात करना है, और साथ में
वैद्युत धुर आघूर्ण यानी पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ज्ञात करने के, तो इस सवाल के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, देखिए आपने दूरी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, इसमें पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई होता है, तीसरा क्या होता है जेड होता है। तो ये एक्स अक्ष के बिंदु हैं, ये वाई अक्ष के हैं, ये जेड अक्ष के हैं। तो ऐसे कुछ डायग्राम बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये कोई मान लेते हैं जो वाई एक्सिस रहा करता था, उसे हम लोगों ने जेड और क्या नाम दे दिए, जेड डैश नाम दे दिए। और ये कोई क्या हो गए, एक्स एक्सिस हो गए, और ये कोई क्या हो गए, वाई एक्सिस हो गए। क्या हो गए भैया, वाई एक्सिस हो गए। चलिए ये वाई हो गए, ये वाई डैश हो गए। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, वो क्या बोला है कि कोई जो बिंदु ए है वो एक्स पे भी जीरो, वाई पर भी जीरो और जेड पर 15 है। यानी कहने का मतलब है जेड ऊपर, जो जेड होता है वो ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ क्या होता है माइनस होता है। तो कोई मान लेते हैं ये पॉइंट ए है जो कि यहाँ पर एक्स भी जीरो वाई भी जीरो पर जेड जो है वो कितना है 15 है, यहाँ बिंदु ए स्थित है। और जो बिंदु बी है देखिए वो जीरो जीरो माइनस 15, तो मानते हैं कि बिंदु बी यहाँ पर था जो कि जीरो और जीरो और माइनस 15 पर स्थित है। अब क्या कह रहे हैं कि अब ध्यान से अगर आप जरा सा समझिए, तो आप 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दूरी तय की हो, 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दूरी तय की हो, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी आ जाएगी भैया, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, चलिए अब आपको सबसे पहला चीज़ ज्ञात करना है क्यों, क्या ज्ञात करना है क्यों, तो क्यों का मान क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होंगे, यही दो ठो आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रश्न का जवाब हम लोग लिखते हैं। क्या पहले प्रश्न पूछा गया है भैया, पहले प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश ज्ञात कर लेते हैं। तो निकाय पर कुल आवेश, तो कुल आवेश का फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर या क्यू टी यानी टोटल, क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। तो ध्यान दे दीजिए क्यू ए का मान कितना है भैया, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और यहाँ माइनस 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये प्लस ये माइनस, अर्थात जो टोटल आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो इसका पहला पोर्शन था। आपसे दूसरा पोर्शन क्या पूछा है, दूसरा पोर्शन पूछा है कि वैद्युत धुर आघूर्ण, तो आपने वैद्युत धुर आघूर्ण P बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्यू इंटू क्या होता है 2L। तो क्यू ये नहीं कि क्यू टोटल रख दिया जाए, क्यू का मान रखा जाए, अपने ध्यान से समझिएगा कि क्या पढ़े थे कि वैद्युत धुर में स्थित किसी एक आवेश के परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण चाहे ये रख लेंगे चाहे ये रख लेंगे, यहाँ तो ऋणात्मक चिन्ह केवल क्या बता रहा है, विपरीत दिशा बता रहे हैं। तो हम क्या रखेंगे, क्यू का मान कितना आ जाएगा भैया, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम 2L। तो भैया 2L इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी है भैया 30 सेंटीमीटर। तो ये 2L बराबर पूरा कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 2.5 × 10⁻⁷ 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, तो 30 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। ध्यान समझिए, ये पॉइंट काटे 10 लगाए, 10 × 10 = 10, 30, तो 25 × 3 आ गया 3, यहाँ 7 और 2 जोड़ दिए कितने आ गए, 10⁻⁹, 25 × 3 भैया कितने आ गए, 75 × 10⁻⁹। ये पॉइंट आप एक इधर लेके आओगे तो 7.5, यहाँ से पॉइंट एक बढ़ जाएगा 10⁻⁸ आ जाएगा। ये आ गए पी का मान, इसका मात्रक क्या होता है भैया, कूलम और मीटर होते हैं। तो आप आंसर मिला लीजिएगा अपने एनसीईआरटी की बुक से, तो एनसीईआरटी की बुक में यही आपका आंसर भी आया है, कितना आया है भैया, 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 9 है वो समाप्त होता है। चलिए हम लोग इसी क्रम में आपका 10वां सवाल है। 10वां सवाल क्या कह रहा है भैया, एनसीईआरटी का 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या कह रहे हैं, एक वैद्युत धुर जिसका वैद्युत धुर आघूर्ण,
एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर कितना दिया गया है, 4×10⁻⁹ सेमी, 4×10⁻⁹ सेमी क्या है भैया, सेमी है। फिर आगे कह रहा है, सेमी है, उसके आगे कह रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष कितने अंश का कोण बना रहा है भैया, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछा है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5×10⁴ तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। तो आगे पूछा है कि द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करो, अर्थात टाउ इक्वल टू प्रश्न मार्क है। तो आइए हम लोग आपको समझाते हैं जरा सा कि वो क्या कर रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है भैया, ई है ये, और इस पे कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और जो कि क्या कर रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपसे क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये 30 अंश का कोण बना रही है, अर्थात ये थीटा जो है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। तो पूछ रहे हैं कि इस पे जो लगने वाला बल आघूर्ण है, इस पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना है, इतना है। तो आप टाऊ का मान ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ इक्वल टू पी ई क्या होता है, साइन थीटा होता है। पी का मान कितना है, पी का मान है 4×10⁻⁹, ई का मान है 5×10⁴, उसके बाद साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 30, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 4×5×9⁻⁹, 9×10⁴, साइन 30 अंश का मान 1/2, 2×1 = 2, 2×2 = 4, कितने आ गए, 5×2 = 10, 10×9×10⁴। तो भैया 9 में से 4 घटा दिए कितने आ गए, 9 में से 4 घटाए 10⁻⁵, 5 में से 1 घट गए 10⁻⁴, ये आ गए इनके बल आघूर्ण का मान, टाउ इक्वल टू 10⁻⁴, या इसे आप लिख सकते हो 1×10⁻⁴। ठीक, इस प्रकार आपका जो 10वां नंबर था वो समाप्त होता है। 11वां नंबर सवाल क्या है, 11वां नंबर क्या है भैया, चलिए 11वां नंबर भी सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो 11वां नंबर क्या कह रहा है कि एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है। चलिए 11 नंबर क्या कह रहे हैं, एक पॉलीथीन हो गए, तो मान लीजिएगा ये कोई पॉलीथीन हो गए, क्या हो गया भैया, पॉलीथीन हो गया, इसे किससे रगड़ते हो भैया, कोई ऊन से रगड़ते हो, किससे रगड़ते हो, ऊन से रगड़ा जाता है, क्या ऊन से रगड़ने पर या ऊन से रगड़ा जाता है, पॉलीथीन को ऊन से रगड़ते हैं। तो बोल रहा है कि पॉलीथीन से, या कह रहा है कि जिससे ऋण आवेश 3×10⁻⁷ कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। तो क्यू बराबर क्या है, −3×10⁻⁷ कूलाम, तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा गया तो ऊन पे जो है क्या हो गए, −3×10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, अर्थात पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊन पे चले गए। ठीक, तो आगे पूछ रहा है, इसमें पहला प्रश्न पूछा है हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला n बराबर क्या होता है, q/e, तो q का मान कितना है भैया, −3×10⁻⁷, और e तो e होता है −1.6×10⁻¹⁹, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 19 से 7 कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे यहाँ पर, 3×3/1.6 बचा है। फिर भैया गुड़े ये 10⁻⁷ यहाँ कितना बचा था, बोलिए भैया 7 कटे थे तो 10⁻⁷ कितने बचे थे, यहाँ −12, और ये ऊपर चले गए तो 3×1.6×10⁻⁷ कितना आ गया, 12 आ गया,
ये पॉइंट काटोगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा, भाग दोगे तो 16 इक्के 16 आ जाएगा, 1.875 गुणे 10^12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अर्थात आप इसे क्या मान सकते हो, लगभग आप मान सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1.875 को लगभग मान लिया जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। अब इसी में आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या क्या जो ऊन है वो ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, क्या जो ऊन है ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। तो हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, क्या होगा, द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, इसका उत्तर हाँ। कैसे, अब इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे आए होंगे तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन जब इस पे से निकलकर इस पे चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल के गए हैं तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, तो इसका द्रव्यमान इस पे चले गए ना भैया, तो हम लिखेंगे स्थानांतरित द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.875 है और द्रव्यमानों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.9×10^-31 kg। तो आप इसको हल करोगे तो इसको हल करने पे आपके आंसर कितना आ जाएंगे भैया, आपके आंसर आ जाएंगे 1.8×10^-18 1.8×10^-18 अर्थात इतने केजी द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन पर चले जाएंगे। ये है आपका 11 नंबर प्रश्न। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, कि जो दोस्त नहीं देख पाए होंगे वो इस वीडियो को देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में एनसीईआरटी के हर जितने आपके प्रश्न बचे हुए हैं उनको पूर्ण कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।